नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में। अगर अभी आप अपना पासपोर्ट देखोगे तो वो नेवी ब्लू कलर का होगा, लेकिन इंडिया में नेवी ब्लू के अलावा दो कलर के पासपोर्ट और इशू किए जाते हैं, एक ग्रे कलर का और एक मरून कलर का। सबसे पहले बात करते हैं टाइप पी पासपोर्ट, जो कि नेवी ब्लू कलर का होता है। टाइप पी मतलब पर्सनल कैपेसिटी में जो पासपोर्ट इशू किया जाता है। टाइप पी पासपोर्ट इशू होता है इंडियंस को, ठीक है, हर किसी इंडियंस को के पास जो है, जो जनरल पब्लिक है सबके पास टाइप पी पासपोर्ट है नेवी ब्लू कलर का, जो कि फॉरेन यानी कि अब्रॉड जाने के लिए हेल्प करता है। नंबर टू पर आता है टाइप एस पासपोर्ट। टाइप एस पासपोर्ट जो होता है वो होता है सर्विस पासपोर्ट। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये कब दिया जाता है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ना जाकर ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, तब इनको ये पासपोर्ट इशू किया जाता है ऑफिशियल ट्रिप्स के लिए। नंबर थ्री पर आता है आपका टाइप डी पासपोर्ट। टाइप डी मतलब जो डिप्लोमेट्स के लिए इशू किया जाता है। जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया का कोई डिप्लोमेट फॉरेन एम्बेसी यानी कि लाइक यूएस की एम्बेसी में काम कर रहा है, तो उनको ये मरून कलर के जो पासपोर्ट्स हैं इशू किए जाते हैं। उसके अलावा इंडिया ने 2018 में एक ऑरेंज पासपोर्ट इशू किया था। ऑरेंज पासपोर्ट जो है वो नॉर्मली ना तो जनरल पब्लिक के लिए है ना किसी ऑफिशियल के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10th से बाद मतलब कोई एजुकेशन नहीं ली, उनकी मैक्सिमम एजुकेशन 10th है, तो ये उन लोगों के लिए है ताकि उनका इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट ना होकर थोड़ा सा लीनियंट हो जाए और वो बाहर काम करने के लिए आसानी से जा सके।